पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस पर कई जगहों पर पौधारोपण का कार्य किया जाता है। दरअसल पेड़ पौधे नदी नदियां जीव जंतु ये सब ही पर्यावरण का आधार है। इन सब से ही जीवन है और जीवन को बचाने के लिए जरूरी है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। आज इसी के चलते हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला अस्पताल में पर्यावरण दिवस मनाते हुए पौधारोपण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने पौधारोपण किया और साथ ही पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लिया। वहीं हम आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान हुई ऑक्सीजन की कमी ने ऑक्सीजन की जरूरत को समझा दिया है, तो वहीं यह भी चेतावनी दी है कि यदि हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हम भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। विक्टोरिया हॉस्पिटल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि मालूम होगा, इस वर्ष की जो थीम थी विश्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, रीस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को रीस्टोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है ये सबको समझ में आ गया है। ऑक्सीजन को प्राणवायु क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया है।